एक मैं स्पेशल फिश आपको दिखाना चाहूंगा, ये फॉक्स होम्स है इंटन का जो भी आया है, और ये आपका स्पेशल फिश ये बोल रहा था ना, मेरे जो सेटअप रहते हैं ना सबको मालूम है, कभी भी मैं सेटअप ऐसा सेटअप करता है ना इजी टू मेंटेन। यस, मेन थिंग क्या है कि आप सेटअप कुछ भी कर लेंगे, बराबर। लेकिन मैंने इसके पहले भी कहा है कि आपने अगर एक सेटअप किया बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका लाइफ क्या रहेगा, 3 महीना 4 महीना। और आप इसमें एक यूनिक फिश देखोगे CW27 अल्टम जो है आपका, ये वाइल्ड में से है एक्चुअली। तो आप स्टैंड भी आपको ऐसा लाना चाहिए कि उसमें आपका फूड भी जो सिंक नहीं होने मांगते हैं, गुस्से नहीं मांगते हैं, और लोग को इजीली खाने भी मांगते हैं। अभी जो है आप देख रहे हो 4x2x2.5 हाइट है। अच्छा, और फिल्ट्रेशन मैंने जो दिया है वो एक्वाइल का। दोस्तों आज मैं आया हूँ लाइव प्लांटेड एक्वेरियम है, ब्यूटीफुल सा लाइव प्लांटेड एक्वेरियम है वो कवर करने के लिए। और आप गेस करो कि कौन से स्टोर का एक्वेरियम है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग एक्वेरियम फिश है, डिस्कस फिश है, एंजल फिश है, बाद में यहाँ पे कोरिडोरस है, और वहाँ पे पीछे टेट्रा कोस्टा टेट्रा है। तो दोस्तों ये ब्यूटीफुल एक्वेरियम प्लांटेड एक्वेरियम जो है वो है आकार में बना हुआ, आकार में इसको सेट किया हुआ है। तो आज हम लोग इस ब्यूटीफुल प्लांट एक्वेरियम के बारे में बात करेंगे, तो पूरी तरह से गाइड करने वाले हैं हमें राजन सर। हेलो हेलो भाई जी। सर आप कैसे हो? बस मजे में, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ सर। तो व्यूअर्स उसको देख के समझ में आएगा कितना बड़ा एक्वेरियम है, तो सर इसके बारे में बताएं ना, क्योंकि काफ़ी प्यारा सेटअप लग रहा है अपने, सिंपल है पर काफ़ी अच्छा अनोखा लग रहा है। देखो मेरे जो सेटअप रहते हैं ना सबको मालूम है, कभी भी मैं सेटअप ऐसा सेटअप करता है ना इजी टू मेंटेन। यस, मेन थिंग क्या है कि आप सेटअप कुछ भी कर लेंगे, बराबर। लेकिन मैंने इसके पहले भी कहा है कि आपने अगर एक सेटअप किया बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका लाइफ क्या रहेगा, 3 महीना 4 महीना, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है ना। तो सेटअप कभी ऐसा मांगता है कि आप उसको कम से कम 2 साल तक मेंटेन कर सकते हो प्लांटेड। ये सेट तो मेरे हिसाब से मैं कम से कम 5 साल तक मेंटेन कर सकता हूं आराम से। तो सेटअप कभी भी आपका मेंटेनेंस देखो, अभी ये फॉर एग्जांपल अभी उड़ है, इसका इधर भी देखो मैं टच नहीं किया है, ओके। तो इधर भी मैं आराम से हाथ डाल के पूरा क्लीन कर सकता हूं। तो ये लोग जो मेज सेटअप करते हैं ना कि इधर टच किया हुआ है बराबर है, तो बाद में मेंटेन होता ही नहीं है। आप ईच एंड एवरी पार्ट में क्लीन कर सकते हो, तो ऑलवेज सेटअप ऐसा मांगता है इजी टू मेंटेन। यस, और ज़्यादा भी मैंने इसको ऐसा रिफूड भी एकदम सिंपल डाला हुआ है। yes. और मैंने इसके पहले भी बोला हुआ है कि मैं जो भी सेटअप्स करता हूँ वो जो पेंडिंग वुड्स यानी आफ्टर सेल जो वुड्स बचते हैं, ओके तो ये जो वुड मैंने यूज़ किया है इसको स्टम्प वुड बोलते हैं। अच्छा। और मेरे पास ये ऑलमोस्ट कुछ 50 किलो आए हुए थे, बराबर। तो उसमें से मेरे पास 3 पीस बचे हुए थे, एक छोटा पीस और ये 2 पीस, तो उसमें से बनाया हुआ है। तो मैं हमेशा जो रिमेनिंग जो मटेरियल रहता है मेरा आफ्टर द सेलिंग उसमें ही सब बनाता हूँ, इवन स्टोन्स भी, तो उसमें बना हुआ है आप देख सकते हो। और सिंपल सेटअप है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और बेसिकली मैंने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया है कि एक अल्टम और डिस्कस टैंक के लिए, तो हिसाब से मैंने इसका टैंक का हाइट जो है ना वो थोड़ा हाइट ज़्यादा लिया है। यस, और इसमें आप देख सकते हो सैंड जो वाइट डाला हुआ है, मैं बैकग्राउंड भी वाइट है, और आपका लाइट जो है वो WRGB स्लिम यूज़ किया हुआ है जो कि चिरियोस का है। अच्छा, और लावा रॉक्स है इसमें, और जो सैंड मैंने यूज़ किया है वो लाभ डाटा है ADA का, ओके। और बाकी सब लो टेक प्लांट्स है, ओनी बेस नानाज है और सैगॉन फोन है, वेरी सिंपल सेटअप। इसमें सर कौन सी फिश की वेराइटीज है? इसमें अगर आप देखोगे तो मैं हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो मेंटेनेंस फिश के हिसाब से। तो पहला इसमें जो आप देख रहे हो ऑटो सिंगलस है, ओके, ऑटो सिंगलस है। बाद में वो अंदर जो देख रहे हो पांडा गारास है। हाँ, बाद में इसमें स्टर्बी कैटफिश है, स्टर्बी कैटफिश है, यस, ओके। और आप इसमें एक यूनिक फिश देखोगे CW27 जो कि आपका वाइल्ड कॉरी है, जो कि आप पीछे देखो काफ़ी इसमें का 8-10 पीस है। हाँ, इसको बोलते हैं वाइल्ड कॉरी CW27। यस, हाँ, ये वाइल्ड कॉरी है आपका CW27। और ये आपके मेंटेनेंस फिश हो गए, और थोड़े इसमें ब्रिसल नोसेस भी रहेंगे एक चार्ज से। बाद में थोड़े आपके स्नेल्स है, yes. जो आपका निर्जाट स्नेल्स है, और बाद में फिर आपके कोस्टा टेट्रा मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था इसमें। यस, ये कोस्टा टेट्रा, कोस्टा टेट्रा है, जो कि आपका हॉकी स्टिक का पूरा उल्टा है। हाँ, और ये जनरली आपको मैं बता दूँ अगर मालूम रहेगा तो भी, कि कोस्टा टेट्रा जो है एक जायंट वैरायटी में आते हैं, yes. तो बड़े होते हैं काफ़ी, यानी कांगो विंगो जैसे, ओके। बाद में आपके अल्टम एंजल्स है इसमें,
और एक तीन पेयर मैंने इसमें डिस्कस डाले हुए हैं, वाइट फेस मेलन है, बाद में इसमें गोल्डन आपका शॉर्ट बॉडी जो है बुलडॉग्स बोलते हैं वो है, और आपका जायंट सोरा ए अल्टम एंजल फिश है, वो क्या वेराइटी है? अल्टम जो है आपका ये वाइल्ड में से है एक्चुअली. अच्छा. तो आप देख सकते हो कि इसका जो फिन्स विंस का कलरेशन वगैरह जो है एकदम प्रॉपर है. एकदम फिन आप देखोगे, बैंड देखोगे उसका, एकदम फिन्स भी एकदम एकदम प्रॉपर. पूरे मतलब मैं जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि सिंपल है और काफी ब्यूटीफुल, मतलब काफी अच्छा गेटअप आ रहा है. तो भी इसमें थोड़ा इशू क्या आ रहा है कि मेरा एंट्रेंस पे है ना, तो इसमें थोड़ा अलग ही इशू आ रहा है. हाँ. तो बिकॉज ऑफ जो अलग आप देख रहे हो, बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट आता है. यस. तो एंट्रेंस पे है तो उसको सनलाइट के लिए कुछ कर नहीं सकता फिलहाल. देखते आगे आगे क्या इसका सोल्यूशन निकालूंगा आगे शेड डाल के इन. बाकी तो जनरली आप लो लाइट दो और अच्छे से मेंटेन करो तो ये सेटअप काफी ब्यूटीफुल है. और देखो डिस्कस के लिए स्पेशली आपको जनरली बॉटम फीडर्स है, तो सैंड भी आपको ऐसा आना चाहिए कि उसमें आपका फूड भी जो सिंक नहीं होने मांगते हैं, हाँ, नहीं मांगते हैं. बराबर. और लोग इजीली खाने भी मांगते हैं. अभी देखोगे तो डिस्कस ऑलवेज नीचे ही बॉटम में ही खाता है. हाँ. तो दे आर बॉटम फीडर्स बेसिकली. और कैसा है कि वाइट कलर भी आपका डिस्कस का कलर जो है काफ़ी अच्छा आता है. और मैं तो कहूँगा कि अल्टम्स के लिए मेरे हिसाब से ब्लैक बैकग्राउंड मांगता है. अच्छा. मेरे पास अभी एक ही टैंक रेडी है, तो आस्ते आस्ते मैं देखता हूँ आगे कुछ ब्लैक बैकग्राउंड दे पाऊंगा अल्टम्स के लिए. तो लेकिन यही कि अल्टम रहेगा तो ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, और डिस्कस के लिए वाइट बैकग्राउंड. और स्पेशली अगर आपके पास रेड डिस्कस रहेंगे तो, और ऐसे रेड कलर्स में या येलो कलर्स में, तो आप उसको ब्लैक कलर पे भी डाल सकते हो, अच्छे दिखते हैं उसमें. अच्छा. और सर इसमें फिल्टर कौन सा यूज किया? इसमें मैंने एक्वाइल 2000 नंबर के. हाँ. दो कैनिस्टर यूज किए हुए. अच्छा. और ये टैंक का साइज जो है आप देख रहे हो 4x2x2.5 हाइट है. अच्छा. तो मैंने हाइट 2.5 क्यों लिया था कि आप डिस्कस जानते देखिए तो ऐसे घूमते जाते करके. यस. और आप देखोगे इसको मैंने रिमलेस बनाया हुआ है, ये सपोर्ट नहीं है. तो इसके लिए मैंने इसको 90mm ग्लास लिया है. अच्छा. 90mm. फिर मेरे को इसको क्या करना पड़ता था कि एक सपोर्ट डालना पड़ता था. सपोर्ट डालना पड़ता था एक सर्टन टाइम के बाद में. आप देखोगे ओपन टैंक्स में सपोर्ट बांधने अंदर दिखता है, कितना भी कुछ भी कर लो मेंटेन नहीं होता है, उसको ऐसा ब्लरी दिखता है वो. बराबर. ओके. और मीडिया जो मैंने यूज किया है वो मीडिया है आपका बायोहोम. अच्छा. बायोहोम मीडिया है, जो कि एक फेमस मीडिया है, सबको ये मालूम है कि बायोहोम काफ़ी अच्छा मीडिया है, क्योंकि काफ़ी पोरस है. और मेन थिंग मैं देखो जनरली मार्केट में काफ़ी मीडियाज है, जैसे कि आपका बायोरियो भी अच्छा है, एक्वारियो भी अच्छा है, बायोहोम भी अच्छा है, लेकिन मैं पर्सनली मेरे टैंक्स में यूज़ करता हूँ बायोहोम. क्योंकि बायोहोम का क्या साइज़ जो है ना, ऐसे बड़े बड़े साइज़ है, तो आपका फ्लोरेट दबाता नहीं हो. हाँ. तो फ्लोरेट आपका इजिली फ्लोइंग रहेगा. यस. तो अगर आपके यानी डिपेंड करता है, देखो हर एक जगह हर एक चीज़ अलग अलग अप्लाई की जाती है. Yes. उसके सेटअप के हिसाब से तो आपका आपने क्या यूज़ किया क्या नहीं वो सब जाता है. लेकिन मैंने इसमें बायोहोम डाला हुआ है, और बायोहोम इसमें ऑलमोस्ट मैंने डाला है 5 किलो. अच्छा. 5 किलो बायोहोम है. और इसके लिए मैं कंडीशनर यूज़ कर रहा हूँ आपका न्यू वाटर कंडीशनर जो है ना, न्यू एक्वारियो का न्यू कंडीशनर यूज़ कर रहा हूँ. अच्छा. और फीडिंग जो मैं दे रहा हूँ इसको वाइल्ड है एक टाइम, बाद में मिक्स में मैं इसके साथ में आपका प्रो डिफेंस भी देता हूँ, और अभी जो इंटेंट का फूड आया है ऑक्स मॉम्स वो दे रहा हूँ, और बीच बीच में हम लोग इसको एक फ्रोजन ड्रोन डालते हैं जो कि वी एक्वेरिया का है. yes, फ्रोजन ड्रोन. yes. और इसका मेंटेनेंस जो है हम लोग वीकली खाली इसका एक 30% वाटर चेंज करते हैं. अच्छा. बस दैट्स इट. और अभी भी थोड़ा लॉकडाउन के हिसाब से लड़के लोग नहीं थे तो रेगुलर नहीं हो पाया. ओके. लेकिन जनरली हम लोग उसका 30% वाटर वीकली चेंज करते हैं. और फिल्टर जो है मेरे हिसाब से आपका मंथली वॉश होने मांगता है. दैट इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है. जो एक्वेरियम के वाटर से ही ना क्लीन करना पड़ेगा अगर वॉश करना है तो. जनरली फिल्टर जो है वो आपको एक्चुअली यही पानी में क्लीन करना है. बराबर. उसका रीजन है तो क्या होगा कि आपका जो बैक्टीरिया है गुड बैक्टीरिया वो मर जाएगा. हाँ. वही ऑलवेज यही पानी में फिल्टर साफ करना है आपको. और मीडियाज को जस्ट रिंस करके निकाल दो. हाँ. और स्पंज आप धो सकते हो जनरली. तो मैंने इसमें क्या किया है कि स्पंज भी है और मीडिया भी है, दोनों भी डाला. yes, हुआ है. अच्छा. मतलब 5 किलो मीडिया है. हाँ, हाँ, एक में ढाई किलो एक में 2.5 किलो. बराबर. और बाकी स्पंज भी दिया हुआ है. तो क्या जनरली ये खाली यानी सेमी प्लांटेड है ना एकदम. हाँ. बेसिक है तो क्या आपका जनरली गुड बैक्टीरिया का भी मीडिया काम करेगा और स्पंज भी थोड़ा डर्ट ऑब्जर्व करेगा. एक में स्पेशल फिश आपको दिखाना चाहूँगा. ओके. थोड़ा फिटिंग करके आपको बाहर आएगा तो आप देख सकते हो.
ये फॉक्स होम्स है इंटर्न का जो भी आया है, और ये आपका स्पेशल फिश ये बोल रहा था ना, ज़ेब्रा ज़ेब्रा ब्लैको ना, L46। यस, इसमें मैंने अभी फिलहाल तो दो ही डाले हुए हैं, लेकिन मेरा टारगेट है इसका 12 पीसेस ए टैंक का। ये कॉस्टली वैरायटी है तो हिसाब से दो ही तो अभी डालसेस डालूंगा उसमें। तो दोस्तों आपने देखा हमने लाइव ब्लेंडेड एक्वेरियम में वो कवर किया है आकर का, तो आई होप कि आपको ये वीडियो है वो यूज़फुल लगा रहेगा, इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, और आपने काफ़ी एंजॉय किया रहेगा इस वीडियो को। तो दोस्तों अभी इस वीडियो से यहाँ पे मैं विदा लेना चाहता हूँ। तो राजन सर थैंक यू कि आपने हमेशा की तरह काफ़ी आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है पूरे सेटअप को, और हर एक चीज़ें आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। और आई होप कि जो प्लांटेड एक्वेरियम बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो से उनको काफ़ी अच्छी जानकारी वो मिली रहेगी। यस सर, ऑफ कोर्स। तो थैंक यू वेरी मच राजन सर, थैंक यू। सो गाइस अभी मैं इस वीडियो को एंड करने को जा रहा हूँ। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।